हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पटनायक। आज हम बनाना सीखेंगे सीमिया उपमा। ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है और आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है सीमिया, ये भुना हुआ सीमिया है। आप इसे इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर ये भुना हुआ नहीं मिलता तो आप इसे एक चम्मच ऑयल में फ्राई करके रख सकते हैं। नमक, हल्दी, तेल, यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है, चॉप कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती, मस्टर्ड सीड्स, यहाँ मैंने तड़के के लिए लिया है सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, एक चौथाई चम्मच जिंजर ग्रेटेड, चना दाल, उड़द दाल, और वेजिटेबल्स में मैंने लिया है कैरेट, पीज, हरी शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, प्याज, इस तरह स्लिट की हुई हरी मिर्च और लेमन। आप चाहे तो अपनी पसंद की और भी वेजिटेबल्स को आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पीनट्स का यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप पीनट्स को भी फ्राई करके डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। अब हम इसमें अपने रोस्टेड सेमिया को डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे ध्यान रखें कि ये बहुत ज्यादा भी आप इसे बॉईल नहीं करें, एक नूडल्स की कंसिस्टेंसी में आप इसे बॉईल करके छान लें। जब तक हमारा सीमिया बॉईल हो रहा है तब तक हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैं कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। जैसे ही तेल आपका गर्म हो इसमें आप लगभग 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड डालें, एक लाल मिर्च, ग्रेटेड जिंजर, उड़द दाल, ये मैंने 1 चम्मच उड़द दाल लिया था, और 1 चम्मच चना दाल लिया है। इसे डाल के हल्का फ्राई कर लें। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता को ऐसे तोड़ के डाल लेती हूँ। हमारा चना दाल और उड़द दाल हल्का भुन चुका है। अब स्टेज पे मैं 1/2 कटे प्याज के जूलियंस को डाल देती हूँ। ऐसे हल्का मोटा मोटा ही काटी हूँ क्योंकि सीमिया में आपकी वेजिटेबल थोड़ी खड़ी खड़ी रहेगी तो अच्छी लगेगी। इसे आप लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए भूनें। अब इस स्टेज पे मैं लगभग 1/4 चम्मच हल्दी को डाल देते हैं। इसे हल्का तेल के साथ मिला लें। स्टेज पे मैं अपनी कटी हुई गाजर को डाल देती हूँ। ये लगभग 4 से 5 चम्मच गाजर होंगे अगर आप इसे फाइनली चॉप करें। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ये आप पे डिपेंड करती है। आप सीमिया में अगर ज़्यादा वेजिटेबल नहीं पसंद करते तो फिर कम यूज़ करें। मुझे तो वेजिटेबल्स सीमिया के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसे डाल के हम थोड़ा भून लेते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। अब मैं इसमें अपने बाकी बचे हुए वेजिटेबल्स को डाल लेती हूँ। यहाँ मैंने 1/4 कप ग्रीन पीज लिया है, हरी शिमला मिर्च लगभग 2 से 3 टीस्पून, अगर आप इसे बारीक काटेंगे तो इन क्वांटिटी में, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, इसे डाल के आप एक बार मिक्स कर लें। फिर आप हरी मिर्च को भी डाल दें।
तीखापन टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। अगर आप बिल्कुल तीखा नहीं खाते तो आप हरी मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह पूरी तरह से मिक्स करके इसमें सॉल्ट को डाल देते हैं और इसे लगभग एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। हमारा सीनिया भी लगभग पक्के तैयार हो चुका है। आप इसे ज्यादा नहीं जलाएं। अब मैं इससे पानी को निकाल के सीनिया को एक कटोरे में रख लेती हूँ। मैंने सीनिया से पानी को ड्रेन करके निकाल लिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए, हल्की खड़ी खड़ी। तो आप सीनिया को बॉईल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें। हमने वेजिटेबल को लगभग एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करें। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए सीनिया को डाल के वेजिटेबल्स के साथ फ्राई कर लेती हूँ। इसे आप अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लें। स्टेज पे मैं इसमें थोड़े से नमक और डाल लेती हूँ। अब इसे नमक डालने के बाद मिक्स कर लें और लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए आप इसे इसके साथ चलाएं। मैंने सीनिया को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़े से लेमन को स्क्विज कर लूंगी और साथ में कटी हुई धनिया पत्ती को डाल के मिक्स कर लेती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ। देखिए है ना कितनी आसान सी रेसिपी है। ये खाने में भी बहुत यम्मी लगेगी। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और बताएं कैसी बनी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।